कितने लोग हैं जो अपना कमरा बंद करके ये कहते हैं, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे सामने आता हूं, मैं एक एक्टर हूं प्रभु, एक्टर, मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूं कि मैं एक मसीह हूं, मुझे बाइबल के बहुत सारे वचन याद हैं, लेकिन सच्चाई ये है प्रभु जी कि मेरे अंदर मेरे भाइयों और बहनों के प्रति नफरत है, मैं लोगों के नाम को खराब करता हूं, मैं उनके नाम को बदनाम करता हूं प्रभु, लेकिन आज मैं रियलाइज हो रहा है मुझे कि मैं गलत हूं और मैं दुआ करता हूं तेरे खून में है, तेरे खून में एक क्वालिटी है कि तेरा खून मुझे क्षमा करता है, छुटकारा देता है, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से साफ कर, मेरे अंदर से बंधनों को तोड़। आप जब ये कन्फेस करना स्टार्ट करोगे ना ब्लड के वर्ड, आपको मैं आपको सच कहता हूं कहां ना कहां आप ये महसूस करोगे कि पवित्र आत्मा इस ब्लड को लेके आपके अंदर बंधन तोड़ेगा। Blessed and holy name. Bye.
मुझे तू मिला यीशु तू मिला यीशु तू मिला मेरा जीवन समर गया मेरा जीवन समर गया यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन समर गया मेरा जीवन समर गया तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया तूने लहू के कतरों को थैंक यू जीसस थैंक यू मेरे वी लव यू माय लॉर्ड माय मास्टर दिया तूने जान बदल देकर यीशु मुझे बचा लिया तूने जान बदल देकर यीशु मुझे बचा लिया तेरे लहू से तेरे लहू से यीशु के लहू से यीशु के लहू से मेरा जीवन समर गया मेरा जीवन समर गया यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन समर गया समर गया यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है एक तू ही किनारा है मेरे जीवन की कष्टी का एक तू ही किनारा है मुझे yes, तू I found you, Lord. यीशु तू यीशु तू मिला मेरा जीवन समर गया मेरा जीवन समर गया यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन समर गया मेरा जीवन से बात करें लॉर्ड स्पीक टू अस खुदावंत हमसे बात कर मेरे भाइयों और बहनों अपने मन को भटकने ना दें उससे बात करें मुझे छू मुझे स्पर्श कर वो पहला सा प्रेम लौटा दे जैसे मैं पहले करता था मैं आज तेरे सामने Here I am, O Lord. यशाया की तरह मैं कहता हूं मैं यहां हूं मुझे भेज प्रभु मुझे भर अपने आप से
मेरे पास ज्ञान बहुत है, पर वो ज्ञान मुझे तेरी तरह नहीं बनाता, तू बनाता है। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लॉर्ड वॉश मी बाय योर ब्लड, लॉर्ड क्लेंस मी बाय योर ब्लड। मुझे अपने लहू में धो, मुझे अपने लहू में साफ कर। मेरे अंदर से हर उस चीज को निकाल जो तेरी ओर से नहीं है। मेरे अंदर से हर उस चीज को निकाल जो तुझे खुश नहीं करती। मैं दर्द महसूस कर लूंगा, मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगा। लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। ब्लेस मी लॉर्ड, वॉश मी बाय योर ब्लड। आइए अपने हाथों को फैलाएं, उसे कहे मुझे लहू से धो दे, मुझे अपने लहू में धो दे। जब आप ये कहोगे, आप ये महसूस करोगे कि वो आपको शुद्ध कर रहा है। आपके अंदर बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे जब आप सिर्फ इतना कहेंगे, लॉर्ड प्लीज क्लेंस मी विथ योर ब्लड। पवित्र आत्मा, उसके लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। हर प्रकार का बैर, हर प्रकार की नफरत मेरे अंदर से निकाल दीजिए। ओके, सभी को जय मसीह की। चलिए एक बार हंसिए। ऐसा लग रहा है आप मुझ पे एहसान कर रहे हैं। चलिए एक बार जोर से हंसिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको क्यों हंसने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपके हंसने से कोई जलता है। कौन जलता है? जितना आप ज्यादा हंसते हैं ना, उतना वो ज्यादा जलता है। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे तो मजा आता है उसको जलाने में कि तू जल बैठा। और जानते हैं दूसरे लोग कौन से जलते हैं? आपकी हंसी से। लिखा है, ये वो जमीन है जिसमें बीज बोया गया और जड़ न मिलने के कारण सूरज निकला और वे जल गए। दूसरे आपको देख के वो लोग जलेंगे जिनमें वचन नहीं है। यू नो, आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने नहीं, ये बाइबल में लिखा गया है। कई लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि लास्ट मैं एक मैंने लास्ट टाइम ये बॉक्स खोला क्वेश्चंस का, उसमें क्वेश्चन लिखा था किसी ने कि ब्रदर, क्या आपका और मेरा बाइबल एक ही है? तो पता नहीं अभी आप कौन हो, आपने नाम नहीं लिखा है। बिल्कुल एक ही है भाई, और मैं हिंदी और इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूँ। मैं क्यों पब्लिकली आपको आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ लोग लर्न कर सकते हैं। वी हैव अ सेम बाइबल। तो आपने उसके बाद लिखा है, वो चीज़ें जो आप देख पाते हो वचन में, वो मैं क्यों नहीं देख पाता? उसका एक कारण है। ये क्वेश्चन बहुतों ने मुझसे पूछा है, मैं आज भी जानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक बार एक मेल आया था, और वो मेल मुझे एक 8 साल के बच्चे ने किया था। तो उसने कहा था, अंकल मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, किसको मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ, पर उन्होंने मुझे ऐसा लिख के भेजा था कि मैंने यूट्यूब पे बहुतों को सुना है, पर आपका वचन मुझे समझ में आता है। आपको पता है, लिसन, इस बात को ध्यान देना, अगर आपको भी ये क्वेश्चन है कि जो बातें बाइबल में मैं देख पाता हूँ वो आप क्यों नहीं देख पाते हो, तो प्लीज आप इसे पॉजिटिवली लेना जो मैं आपको कह रहा हूं। बाइबल समझना एक क्लेवर माइंड नहीं, एक प्योर हार्ट की नीड है। आप कभी कभी कुछ लोगों के नाम लोगे ना, वो भड़क उठते हैं, क्योंकि उनके दिल में गड़बड़ है। समझो, आपको किसने चीट किया था, उसकी वजह से आप आज तक सफर कर रहे हो, ठीक है, और आप वो लेकर चल रहे हो अब तक, और उनको तो याद भी नहीं है। यू नो, कभी कभी कुछ लोगों को, उनको बॉदर तक नहीं करता है कि उनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो। वो जीते रहते हैं अपने जिंदगी में मस्त,
कभी कभी आप दूसरों का नाम लोगे ना, वो भड़क जाते हैं, आपने इसको कैसे अच्छा कहा, आपको पता है क्या इसने क्या किया? ठीक है, उसने किया है, मुझे एक बात बताइए, आप क्यों तेजाब रख के अपने आप को जला रहे हो? आपको चाहिए, आप घर पे जाके आप ये करके देखो, आप एक पॉट लो, उस पर तेजाब डालो, नेक्स्ट डे वो तेजाब किसी और में डालो, तेजाब को कुछ नहीं होगा, एसिड को कुछ नहीं होगा, जो पॉट था वो खराब हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, खराब कौन होता है? आपको तकलीफ होती है। जब भी आप ये चाहते हो कि बाइबल आप पर रिवील हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आपके ऊपर है ही नहीं। कई लोगों ने मुझे सिखाया था 50-50 बार एक अध्याय पढ़ना। अरे मैं आपको सच कहता हूं, मैंने याकूब की पत्री कम से कम 800 बार पढ़ी है। पर जब मैं उनको पढ़ता था, मुझे बहुत पसंद है याकूब की पत्री, क्योंकि मुझे लगता है कि मसीह की देह में याकूब प्रभु के दांत है जो काटता है। हम सब मसीह की देह हैं, सब उसके अंग हैं। मुझे ऐसा लगता है वो उसका यीशु मसीह के दांत है याकूब। वो एक ऐसी पत्री है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि एक व्यक्ति की जुबान कंट्रोल में नहीं है तो वो मसीह नहीं है। वो एक ऐसा वचन है जिसमें लिखा गया है कि अगर तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो पर उनके लिए प्रार्थना करते हो तो तुम गुनहगार हो। इतना स्ट्रेट है वो। अगर तुम उसे कहते हो गर्म रहो, तृप्त रहो, तो क्या तुमने पाप नहीं किया? वो एक ऐसी पत्री है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि दुखों में आनंद करो, और एक जगह पे तो ऐसा लिखा गया है सुनने में बहुत क्विक बनो और बोलने में धीमे बनो। एक ऐसा लेटर है वो बाइबल का जो मुझे लगता है कि वो काटता है हमें। मैं 50-50 बार उसको रीड करता था। आपको पता है एक बार तो मैंने याकूब की पत्री एक दिन में 22 बार पढ़ ली, और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था मेरे अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है। री रीड, और जाके ये रात को ये जब मैंने पढ़ लिया तो मेरी बहन रात को घर पे आई, तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने याकूब 22 बार पढ़ा है। तो मेरी बहन ने बोला, वचन तो नहीं गया है, घमंड से पूरा भर गया है तू। तो मैंने बोला हाँ, ये बात भी सही है। कुछ लोग देखिए ऐसे हो जाते हैं, राइट। अब सुनिए, बाइबल उस पर रिवील होती है जिसका हार्ट प्योर है। आपको क्या लगता है मेरा हार्ट प्योर है? सुनिए, गंदगी घुसने की बहुत कोशिश करती है मेरे अंदर, पर मुझे पता है मुझे अपनी रक्षा कैसे करनी है। सुलेमान कहता है तू अपने मन की रक्षा कर, ये काम परमेश्वर नहीं करेगा। मैंने आज तक ये प्रेयर नहीं की है, प्रभु मेरे मन की आप रक्षा करें। नो, वो तेरा काम है। अगर आपको लगता है कि एक दिन एक स्वर्गदूत आपके सामने आपके कुछ ऐसे शीट वगैरह है क्या भाई, ठीक है मेरा बैग दे दो भाई, समझो वहां पर एक डीमन खड़ा है, वो आप पे थॉट्स फेंक रहा है। आप कभी ये बिलीव मत करना कि आप यहां खड़े हो और एक एंजल खड़ा रहेगा। नो, डोंट डिस्टर्ब हिम, आई एम मिखाइल। कभी नहीं होने वाला ऐसा। परमेश्वर ने विचार आप तक पहुंचने की अनुमति क्यों दी है? ताकि आप मैच्योर बनो। अदन की वाटिका के बाद उधर अदन की वाटिका में उस वृक्ष के आसपास कोई स्वर्गदूत नहीं खड़ा था। सोचो अगर प्रभु के स्वर्गदूत खड़ा करता तलवार लेके, तो कभी आदम और हवा खाने के लिए जाते? पर प्रभु एक स्वर्गदूत को बोल देता, अगर ये लोग इधर आते ना तलवार दिखा ए, चला। लेकिन खुदा ने ऐसा कुछ नहीं रखा था, वो जानना चाहता था। कितनी बड़ी बात है ना, अय्यूब के घर के आसपास बाड़ा था, अदन की वाटिका में नहीं था। शैतान अय्यूब के घर में घुसने से पहले अनुमति मांगता है, मैं कैसे जाऊं, तूने बाड़ा बांध के रखा है। लेकिन आदम के आसपास कोई बाड़ा नहीं था ताकि वो परखे जाए। आप जानते हो परमेश्वर आपको परखता है। अब हार्ट को प्योर कैसे रखते हैं भाई? जिसने भी ये सवाल आपने बॉक्स में डाला है कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आपकी और मेरी सेम बाइबल है, पर वो बातें मैं नहीं देख पाता हूँ जो आप देख पाते हो, अब इसमें आपका आंसर है। सुनिए, किसी के लिए नफरत मत रखो, वचन समझ में आएगा। That's it.
अगर किसी भी व्यक्ति का नाम सुन के आपके ब्लड में अप डाउन होता है, आप समझ जाओ आप गड़बड़ में हो। पर ब्रदर उन्होंने मुझसे किया है, एग्री, पर बाइबल ये भी कहती है माफ करो। ब्रदर लेकिन उनकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं, बिल्कुल, बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर पे कर देगा वापस। गॉस्पल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, गॉस्पल ये है कि बुराई में से भलाई निकालेगा, याद रखना इस बात को। गॉस्पल ये नहीं है कि जो इस कलीसिया में आएंगे, जो यीशु के पीछे चलेंगे, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। सुसमाचार ये है कि वो उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं उनमें से हर चीज भलाई निकालेगा। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, यहूदा इस्करियोती भी अगर यीशु को पकड़वाने गया तो वो परमेश्वर की इच्छा थी। आपके साथ जो कुछ भी होगा वो प्रभु की मर्जी में होगा, उसे एक्सेप्ट करो, उसको सहन करो, उसको अपनाओ, परमेश्वर हर चीज में आपके लिए भलाई पैदा करेगा। 100% दिस इज गॉस्पल। अपने हार्ट को प्योर बनाए रखो। अरे बहुत सारे लोगों को तो अपने फैमिली के प्रति प्योरिटी नहीं रहती है, ये पत्नियों के अंदर पतियों की गड़बड़, पतियों के अंदर पत्नी की गड़बड़। आजकल देखो शादियों पर कितने जोक बनते हैं, सास बहू से नहीं बनती, बहू सास से नहीं बनती। इवन आपको पता है मैंने ऐसा भी देखा है कि एक घर के अंदर दो औरतें रहती हैं और दोनों ने अपने बच्चों में कचरा डाल के रखा है कि उस पार मत जाने का। छी, कितनी गंदी बात है ये, आपने बच्चों के अंदर पॉलिटिक्स डाल दी है। मैंने रिसेंटली एक बच्चा देखा तो वो किसी और का था और मैं एक ही घर में था, तो मैं बच्चे को ऐसा कह रहा था और जब मैंने दूसरी बार कहा उसकी मम्मी खड़ी थी, मैंने कहा मैं बुला रहा हूं उसको क्यों देख रहा है। मैं समझ गया मां ने बोला है उधर मत जाने का। सोचो ऐसे इविल लोग भी हैं इस दुनिया में जो बच्चों के अंदर ऐसी बात पैदा करते हैं। यू नो याकूब को चीटिंग करने की आइडिया किसने दी थी? रिबेका ने। और ये भी एडवाइस दी, जा ये कर, मैं तेको बना के देती हूँ खाना। और जब उसने कर लिया उसको बोलती है अबे काम कर, जा मेरे भाई अपने मामा के पास चला जा, लावान के पास जा। एक चीटर दूसरा चीटर को मिला। लावान उससे बड़ा चीटर था, 7 साल मजदूरी करवा के और 7 साल करवाई। तुम शेर हो ना, खुदा तुमसे तुमको 1.25 शेर मिलवाएगा। 100% तुम छोटे छोटे चीटर बनोगे ना, प्रभु तुमसे बड़ा चीटर तुमसे मिलवाएगा, क्योंकि प्रभु कभी कभी देखता है चीटर को, चीटर ही सुधारता है। बाइबल समझने का एक ही रास्ता है, वन वे, प्योर हार्ट, राइट। आपके अंदर किसी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जीसस इस लाइव चर्च के इस पुलपिट पे खड़ा होकर कहता हूं मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी नहीं, न कोई आत्मी, न कोई बहन, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। मेरा एक ही दुश्मन है जो मेरे बाप का दुश्मन है, शैतान, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कसम खाना मना है, नहीं तो मैं ये कहता कि कसम से मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, जितना डैमेज कर सका मैं उसको करूंगा। मैं उन मसीहों की तरह नहीं हूं जो डेविल को ये कहते हैं मैं तब तंग नहीं करूंगा, तू भी मुझे तंग मत कर। मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा, मैं कहूंगा मैं जितना उसको मार सका मैं उसको मारूंगा, राइट। कितनों के बाद जानते हैं आपको शैतान पर अधिकार प्राप्त है? यस, आपकी उसको आपकी सुननी है, याद रखना इसको, उसको आपकी सुननी है, वो किसी और की सुने या ना सुने, आपको उसको है ना आपकी सुननी है। ये उल्टा है कि आप उसकी सुनते हो, ये बात अलग है, पर बाइबल बताती है उसको तुम्हारी सुननी है। यीशु ने कहा जाओ आत्माएं तुम्हारे वश में है। वो लोग आए थे ना वहां से भाग भाग के, अब प्रभु आत्माएं हमारे वश में है, उसको आपको उस पर अधिकार प्राप्त है। आप जब भी उसको बोलोगे बैठ, उसको बैठना है, और अगर वो भौंक रहा है तो प्रभु ने अलाउ किया है। बस मैं कभी कभी समझता हूं एक डॉग है जिसकी चेन प्रभु के हाथ में, और जितनी प्रभु डील देगा उतना ही वो आगे आएगा, राइट। और कई लोग जो ये कहते हैं शैतान ने तंग किया है, शैतान ने तंग किया, शैतान तुमसे तंग है।
हाँ बोलो अपने बाजू को, शैतान तुझसे तंग है। हाँ कुछ लोग पता है क्या रहेगा, बर्तन भी गिरेगा ना, बोलेंगे शैतान ने गिराया। अरे बरोबर रखना उसको। एक बार एक बहन ने मुझे पता नहीं हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल आया, ब्रदर रात को, हर रात को 2 बजे हमारे घर पे बर्तन गिरते हैं, हर 2 बजे। मैंने बोला जिसमें आप रखते हो वो चेक करो। नेक्स्ट डे उसने मुझे बताया, आप सही कह रहे थे कि एक नीचे की डंडी की गायब थी। आजकल कुछ भी होता है ना, कुछ भी, इवन आप कभी कभी लोग चश्मा उतार के कहाँ रख देते हैं, फिर मिलता नहीं है, फिर बोलते हैं शैतान चश्मा लेके गया। अरे इतने ब्लेम्स लगते हैं उस पर, इतने ब्लेम्स लगते हैं उस पर। मतलब मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि वो उल्लासनगर में रहता है। वो बोलता है ये लोग ऐसे हैं, ये कुछ भी होता है ना मेरे को पकड़ते हैं, इनके घर पर लाइट बंद होती ना शैतान ने बंद किया। अरे एमएससीबी ने बंद किया, उसने बंद नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, 5 मिनट हम बाइबल पढ़ते, 5 मिनट हम दुआ करते हैं, हमारे उपवास आधे दिन में टूट जाते, वो हमको परेशान करेगा क्यों? वो बोलता है ये कुछ करते ही नहीं है। वो उनको तंग करेगा जो 3-4 घंटे दुआ करें, आधा दिन प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें। आपको क्यों तंग करेगा, आप तो ऑलरेडी उसके हाथ में हो। शैतान करता है, शैतान करता है। सुनिए एक मिस्ट्री मैं आपको बताता हूं, लिसन, बाइबल बताती है शैतान को अवसर न दो। वो उनके जिंदगी में काम करता है जो उसको अवसर देते हैं। वो कभी भी आपके लाइफ में होल्ड नहीं रख सकता आपका, उसको हमेशा मौका मिलता है। आपको पता है मौका कैसे मिलता है? चलो एग्जांपल, चेतन भाई हैं बाहर बैठे होंगे, सुलेखा दीदी हैं, ठीक है। समझो चेतन भाई एक दिन रात को लेट आए, 12:30 बज गए और बहन सोई थी, और भाई आए और बहन को बोलते हैं खाना दो, ये टाइम है आपके आने का। आया तो सही ना, फिर आया तो सही, मतलब क्या मेरे पे एहसान किया है क्या? चल खाना दे, दे रही हूँ। और जैसे सिस्टर ने खाना उनको दिया, रोटी ठंडा है, ठंडा मतलब खाओ ना जो मिल रहा है, धन्यवाद करके खाओ ना, सूरज भाई बोलते हैं। सूरज भाई और भी बहुत कुछ बोलता है। वो भी सुन, वो नहीं सुनते हो आप? आपको पता है ये डिस्कशन डेविल को चांस देती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी दो पति पत्नी, दो भाई, दो बहनें आपस में डिस्कस करती है ना, ऐसे शैतान उसके बीच में डांस करता है। वो इतना एंजॉय करता है आपकी कन्वर्सेशन को। यस। और जिस दिन आप कहते हो मैं बात नहीं करूंगी, वो बोलता है हिप हिप उर्रे। ये तरीका है उसको चांस देने का। मसीह भाइयों और बहनों, एक बात सीखो, प्रकाशन को बाद में ढूंढो, पहले सबसे पहले डिस्कशन करना बंद कर दो। तू सही मैं गलत, बात खत्म, नो डिस्कशन। आपको पता भी है कि आप सही हो वो गलत है, फिर भी बोलो तू सही मैं गलत। आजा भाई छोड़, मैं यीशु के नाम में कहता हूं आप इस एटीट्यूड को रखो। नेक्स्ट डे वो खुद आपको आके कहेगा आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं किया। यू नो, कभी कभी मुझ पर ऐसे ब्लेम्स लगते थे क्रिश्चियंस के थ्रू कि ये है वो है, तू ये है तू वो है। मैं उनको एक ही बात बता रहा, ओके। जैसे मैं फोन रखता था मैं फूट फूट के रोता था, फूट फूट के। कभी कभी मेरे पास वाले ये बर्दाश्त कर पाते थे ब्रदर रो रहा है, और वो मुझे पूछते थे क्या हुआ, मैं ऐसे करके बोलता नथिंग ब्रदर आई एम ओके। मैं छोड़ दे रहा बातों को। और आज 2-3 महीने के बाद वो मुझे कॉल करके बोलते थे भाई सॉरी यार, बहुत रूटली बात कर लिया आपसे। उनको बोलता रहा ब्रदर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को मुझे बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, इस बात को जान लो। मैंने कभी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किया है, और ना मैं कभी करूंगा, कभी भी नहीं। मुझे एक बात पता है, एक दिन आएगा जब हम सबकी सब, जो हमारे सच्चे चेहरे हैं वहां पर सब दिखाई देंगे, हम कौन है, हमने क्या किया है। ओके, किलो तैयार है वचन के लिए, सब रेडी हैं? बहुत ऑसम वर्ड है आज, आज खुदा सबसे बात करेगा।
आमीन। ओके, आइए हम सब खोलेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय। हिब्रू 12 इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय। अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो ये फिलिमोन के बाद आती है, और अगर इफ यू हैव अ हार्ड कॉपी पेज नंबर 314, अगर आपको मेरी तरह बाइबल है तो पेज नंबर 315 एक्चुअली। सबने खोल लिया? और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। इंग्लिश, यू हैव कम टू जीसस द वन हु ब्रॉट द न्यू एग्रीमेंट फ्रॉम गॉड टू हिज पीपल। यू हैव कम टू द स्प्रिंकल्ड ब्लड टेल्स अबाउट द बेटर थिंग्स देन द ब्लड ऑफ एबल। ध्यान दीजिए, आज इस चीज का बहुत कम, इस चीज की बहुत लोगों को कम जानकारी है कि ब्लड क्या होता है। आप जानते हो यहूदी आज भी जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो अपने बच्चों को बाइबल की कौन सी किताब सबसे ज्यादा पढ़वाते हैं? लेवी व्यवस्था। मैं आपको सच कह रहा हूं, यहूदी लोग आज भी जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं उनकी अपब्रिंगिंग में जो सबसे ज्यादा किताब जो उनको पढ़ाई जाती है वो है लेवी व्यवस्था, जो बहुत सारे लोग पूरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें पूरे सैक्रिफाइसेस लिखे हैं। और ये तो छोड़ो, आप अगर पुराने नियम में आप पुराना नियम किसको दोगे ना, तो बहुत सारे लोगों को तो वो किताब मिलती भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस किताब के बारे में कुछ जाना ही नहीं है, समझा नहीं है। जबकि एक वही बुक है जो बताती है कि ब्लड क्या है, क्योंकि हर अध्याय में आपको मिलेगा कि एक एक जानवर लो, उसको काटो, उसका ये हिस्सा अलग करो, झिल्ली अलग करो, गुर्दा अलग करो, ये अलग करो। सेम बातें पढ़ पढ़ के लोग उब जाते हैं और वो सीधा व्यवस्था वर्ण में चले जाते हैं कि यार इसको छोड़ दे, बाद में देख लेंगे। पर यहूदी हर एक व्यक्ति को सबसे पहले ये पढ़वाते हैं ताकि उनके बच्चों को कहां ना कहां ब्लड का महत्व पता हो। आप जानते हैं, एक और वचन हम लगाएंगे, मैं चाहता हूं आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। पहला पत्रस 1 अध्याय, पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 18वां वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। 19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अब यहां पर पतरस भी यही बात कहता है। सुनिए, मैं चाहता हूं आप सब इस बात पर ध्यान दीजिए। अब आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है, यीशु मसीह के हर प्रेरित ने उसके लहू के विषय में कुछ ना कुछ लिखा है। अब पौलुस को देखो जो रोमियो की पत्री में बहुत कुछ लहू के लिए लिखता है। आप पतरस को देखो, वो यहां पर ब्लड के लिए लिख रहा है। आप यहुन्ना को देखो प्रकाशित वाक्य में, वो कहता है कि वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहनता है। इब्रानियों का लेखक जो है वो लहू के लिए लिखता है। आप आराम से पढ़िए, बाइबल में हर एक
प्रेरित हर चेला कहां ना कहां अपनी पत्रियों में ये डायरेक्शन देता है कि उसका ब्लड क्या है। मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं अगर आप अपने जीवन में कुछ चीजों में नहीं बदल पा रहे हो, जैसे कि मुझे अपने लाइफ के कुछ क्षेत्र पता हैं जिनमें परमेश्वर ने मुझे बहुत चेंज किया है, पर कुछ जगहों पर मेरे अंदर 0% भी चेंजेस नहीं आई है, मैं उन चीजों को बॉन्डेज कहता हूं, बंधन। आपको पता है बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? बंधन। जब बाइबल बताती है बॉन्डेज, बंधन, तो उसका अर्थ क्या है? बॉन्डेज एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, उस चीज में आपको जैसा चाहे ऑपरेट किया जाता है और आप एक गुलामी की तरह चलते हो। इसलिए यीशु ने कहा मैंने तुम्हें गुलाम नहीं पर मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि वो स्वामी क्या है, पर दोस्त जानता है सब कुछ, पुत्र जानता है, भाई जानता है। मैं जब भी आपके लाइफ में ये वर्ड आप सुनो ना, बंधन, बॉन्डेज, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर आपका बस नहीं चलता, एक थॉट आता है और आप उस काम को कर लेते हो। इसीलिए 7 अध्याय में पौलुस कहता है जो काम मैं करना नहीं चाहता हूं वो मुझसे होता है, क्योंकि अब इसका करने वाला मैं नहीं परंतु वो मुझ में बसा हुआ पाप है, इस बॉन्डेज। अब आप अच्छे से जानते हो कि आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हो सकता है कि आपका बाहर जो स्टेटस है वो बहुत औसम है। मैं किसी से भी आपके बारे में बात कर रहा हूं कि ये व्यक्ति कैसा है तो मुझे एक अच्छी रिपोर्ट देंगे, ब्रदर वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा आदमी है ये, लेकिन दरवाजे के अंदर आप घर पे कैसे हो ये आपकी फैमिली जानती है। कई बार जब हम बाहर, यू नो, इस जगह पे ऐसा लिखा गया है ये स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञाएं देते हैं पर समय सड़न के गुलाम है। कभी कभी हम लोग बहुत दिखाई देते हैं कि हम बहुत स्वतंत्र हैं, पर सच्चाई ये होती है कि कभी कभी हम इतने गुलामी में रहते हैं कि हम स्लेव हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना एक बॉन्डेज बताता हूं जिससे मैं रिसेंटली फ्री हुआ हूं। आपको पता है रात को सोने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं दोपहर में भी सो जाऊं, और इसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम रुकते थे। होता क्या था, मैं खाना खाता था और मुझे नींद आती थी और मेरा काम, और मैं ये सोच के पढ़ता सोता था कि मैं 1 घंटा सोऊंगा और उसके बाद कभी कभी मैं 3-3 घंटे सोया रहता था। ये 2 साल पहले की बात है और मुझे नींद आती थी बहुत। मैंने कहां ना कहां मैं अपने लाइफ में एक रूटीन बना चुका था कि मुझे ये करना है, और आपको पता है एक दिन तो ऐसा आ गया मेरी चीजें मेरी हैबिट्स बन गई, और मैं कई बार चाहकर भी, आप भी देखो आज लोग नींद के गुलाम हैं, जब भी नींद उनको बोलती है सो जाते हैं। और ऐसा सोते हैं, मैं आपको सच्ची बताता हूं, अलार्म लगाते हैं उनको छोड़कर सब उठ जाते, सब उठ जाते हैं, और फिर उठ के उनका अलार्म कोई और बंद करता है और उनके सर पे बोलता है उठे हम उठ गए। हाँ, और आज के लोगों को उठाने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं। एक लड़का था, एक कॉलेज बॉय था, वो सोया हुआ था, उसकी माँ ने उसको बोला विकी, ए विकी, हाँ 6 बज गए उठ, कॉलेज है तेरा बेटा, हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, 6:15 विकी, ए विकी, बोल ना माँ, उठ बेटा उठ, नहाना है तुझे, हाँ ठीक है, 6:30 बजे, ए विकी, अब माँ बोल विक्की, हाँ छोटा बच्चा, उसका छोटा भाई सब देख रहा था इसकी नौटंकियां, वो उठ गया था स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए नहीं उठ रहा था, वो टाई वाई पहन के खड़ा हुआ था, मस्त ब्रेड बटर खा रहा था खड़े होके। मम्मी को बोलता है मम्मी क्या हुआ आप डिस्टर्ब क्यों हो, देखना ये उठता नहीं है, बोलता है 1 सेकंड में उठाऊं, 1 सेकंड में उठेगा ये। इसकी माँ ने कहा बेटा नहीं नहीं उठेगा। कुछ चीजें छोटों को पता रहती है। बोलता है माँ इसके कान में जाके बोल, सॉरी एक काम कर मैं इसके कान में जाके बोलता हूँ देख ये कैसे उठता है। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है जा, उसके कान में जाके बोलता है विकी तेरा फोन मम्मी के पास है और पासवर्ड उसको पता चल गया है। कुत्ते की तरह उठा, यू नो कभी कभी कुत्ते को लकड़ी मारो
आज लोगों का फोन लेके जाओ, अरे नेटवर्क की तरह पीछे पीछे आएंगे. यू नो वोडाफोन की एक एड आती है, छोटा कुत्ता हमेशा नेटवर्क की तरह पीछे पीछे आता रहता है. जो नहीं उठे ना फोन दे. पंकज उठ. नहीं उठूंगा. बाय एक सेकंड. आजकल लोगों को उठाने का सबसे अच्छा तरीका है उनका फोन लेके भाग जाओ. सिंपल. आजकल तो देखो कवर्स कैसे हैं, ऐसे अंगूठा डाल के बात करो. ये चलते चलते लोग फोन लेके चले जाते. अरे फोन तो दे. ठीक है काम कर, वो चिप दे दे उसमें गड़बड़े, फोन लेके जा इधर दे. सी आज ये हालत है. सुनिए अभी ध्यान दीजिए. नींद जो है वो बुरी नहीं है. परमेश्वर ने आपका बदन इस तरह बनाया है कि आपको 8-9-7 घंटे नींद चाहिए चाहिए. मैं नहीं कहता हूँ कि हर एक को मेरी तरह 5 घंटे सोना चाहिए, पर आपको नींद चाहिए. पर कभी कभी आपको लगता नहीं है, आप बहुत सो चुके हो, अब वाजिब नहीं है, अब आपको काम करना है. लेकिन कुछ लोग की ये लाइफ है. और सुनिए, लेजीनेस से सिर्फ लड़ना नहीं पड़ता है. आप समझो कुछ कुछ चीजें हमें लगती हैं कि ये नेचर है, पर नेचर नहीं, ये बॉन्डेज है. आपको क्या लगता है कि अगर एक आदमी रात को सोता है और उसको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें वो बहुत सारे पॉर्न चीजें देखता है, वो बहुत सारे नंगी नंगी बातें देखता है जो उसने देखा है, आपको क्या लगता है ये नेचुरल है? ये डीमंस हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं. वो जानते हैं कि एक आदमी को कैसे सिन में गिराना है. मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आत्मा है जिसका नाम है, आपको पता है फिरौन की आत्मा. मूसा एक फिरौन के अंदर एक आत्मा थी. मूसा जब भी उनको बोलता था मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो प्रभु के लिए आराधना करना जाएं, पर्व मनाएं, कहते हैं ना वो जाने दे रहा था. एक ऐसी आत्मा भी है इस दुनिया में जो इंसान को परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोकती है. आप देखो जब इजबेल मर रही थी तो वो क्या कर रही थी, लिखा है वो सुरमा लगा रही थी. अब हुआ क्या, येहू वहां पर गया और येहू ने उसको यहां तक ऐसे तीर खींचा और जैसे वो उसको लगा उसके पीछे दो खोजे खड़े थे, उन्होंने उसको धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गई. आप देखो जिस दिन वो मरी उस दिन वो अपनी छत पे खड़े होके, एक बालकनी में खड़े होके फैशन कुछ ऐसा कुछ कुछ कर रही थी, मेकअप कर रही थी वो. आप कभी कभी कुछ लड़कियों को देखोगे ना मेरी बहनों, आप देखो वो 24/7 आपको मेकअप में दिखेंगी. 24/7 ये क्या है, ये स्पिरिट्स हैं. क्या कहती है बाइबल तिमोथियस में, परमेश्वर ने तुम्हें भय का नहीं पर सामर्थ का आत्मा दिया है. भय भय सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक आत्मा है. और आपको क्या लगता है इजबेल एक लेडी है? रेवलेशन पढ़ के देखिए, यहुन्ना को प्रभु कहता है तू इजबेल को अपने यहां रहने देता है. आप पुराने नियम में देखो वो हमेशा एलिया को मारने के पीछे भागती थी. नए नियम में एलिया का आत्मा किसके ऊपर था? और राजा हेरोदेस ने जिससे अफेयर रखा था उसके अंदर कौन था? इजबेल. वहां पर भी आके कहती है मेरे को ये चाहिए. स्पिरिट, दिस इज स्पिरिट, ये आत्मा है. आपको लगता है ये नॉर्मल चीजें हैं, आंखों का भटकना, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब बंधन है. ये बचपन से रह रह के दुनिया ने हमको ये नाम दे दिया है कि ये तो नेचुरल है. ये नेचुरल नहीं है, ये डार्कनेस है जिससे यीशु हमको छुड़ाने आया. इसलिए उसका जन्म हुआ, तू अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. ये प्रोजेक्टर इसके पीछे भी आप बिलीव करेंगे जो वर्ड लगा हुआ है वो है, वह इसलिए नहीं आया ताकि संसार पर दंड किया गया दे, पर इसलिए ताकि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए. मेरा बहुत मन था जब हम चर्च को डिजाइन कर रहे थे कि हमारे चर्च में दो वर्ड्स जो यहां पर लगे हो दोनों में उद्धार शब्द हो. दोनों में उद्धार शब्द है. इस प्रोजेक्टर के पीछे 3:17 जॉन लगा हुआ है. अब ध्यान दीजिए, मैं वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं. मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, मैं इसको थोड़े में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कैसे हम उन बातों पर ओवरकम कर सकते हैं जिनके जिन बातों ने एक्चुअली समय हमें ओवरकम किया है. जैसे कि एक चीज है मुझे लगता है यहां पर हर व्यक्ति को ओवरकम होने की नीड है और वो है नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच,
सिर्फ अपने विषय में, बच्चों के विषय में, परिवार के विषय में, फ्यूचर के विषय में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते रहना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने 6 दिनों में इस सृष्टि को बनाया। 7वें दिन उसने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद उसने, वचन कहता है, आदम को उसने एक प्लेस पर रखा जिसका नाम था अदन, अदन, अदन का भाग, अदन की वाटिका, और परमेश्वर ने उसे वहां पर रख दिया और क्या किया, उसके सामने एक इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तू सब कुछ खा सकता है सिवाय एक को छोड़ के। पर आदम ने जब उसे खाया और हवा ने भी खाया, लिखा है वे नंगे हो गए और परमेश्वर से डरने लग गए। मैं बिलीव करता हूं कि आदम कहां ना कहां यह बात जान लेता था कि परमेश्वर आ चुका है, क्योंकि इस बार भी जब प्रभु आया तो वो कहता है मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था। कहां ना कहां जब परमेश्वर उस गार्डन में एंटर होता था, मुझे लगता है कुछ एक्टिविटीज होती थी, कुछ होता था, हो सकता है पत्ते हिलने लगते हो, या हो सकता है कि कुछ और बातें होती हो, पर समथिंग कुछ था। और जैसे परमेश्वर उसे कहता है आदम तू कहां है, तो वो बाहर, वो कहता है कि मैं नहीं आऊंगा वगैरह वगैरह, जो भी बातें वहां पर लिखी गई हैं। और उसके बाद प्रभु एक बात कहता है, वो कहता है तूने क्या किया, बोलता है तूने जो पत्नी दी उसने मुझे फल खिलाया, पत्नी को पकड़ा तूने, मुझे सांप ने। और जब परमेश्वर ने देखा कि ब्लेम लास्ट सांप पे आया है, तो प्रभु ने जजमेंट भी सांप से ही शुरू की। सबसे पहले सांप को मारा, उसके बाद हवा को बात की, फिर आदम को। अब सुनो, मैंने बहुत जल्दी में निपटारा कर दिया इन बातों का, और अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप नोटिस कर रहे हो, जब आदम उस अदन की वाटिका से निकल रहा था तब वो नंगा था, पर उसने अपने आप को पत्तों से ढापा था। और जब वो निकल रहा था, मैं ये हैरान हो गया कि जब परमेश्वर उसे देख रहा था कि जब वो जा रहा है और वो मुंह लटकाए हुए जब जा रहे थे, तो मुझे लगता है परमेश्वर उनको ऐसा किया, वेट वेट। परमेश्वर इनको अपने करीब बुलाया, एक जानवर लिया, उसे काटा, उसकी स्किन निकाली उसने। बोलो स्किन। अब आप मुझे बताइए, स्किन में क्या लगा हुआ रहता है? ब्लड। परमेश्वर ने वो स्किन निकाली, उस स्किन को स्टिच किया उसने। ही इज अ फर्स्ट टेलर इन द बाइबल। उसे स्टिच किया और उसको कहा कम। जैसे वो आगे आया, उसके वो कपड़े उतारे और वो उसको स्किन डाल दी गई। अब मुझे बताओ, जब उस स्किन के अंदर जो बातें, जो ब्लड था, वो कहां लगा? आदम की बॉडी पे। आपको कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका से इंसान को निकाला तो उसके पूरे बदन पर ब्लड लगा के निकाला। वाह, मैं सोचता था आदम क्या सोचता होगा, यार ये किया क्यों परमेश्वर ने। मैं सोच रहा था प्रभु आपने इसकी स्किन निकाली, उसको स्टिच किया, उसको पहनाए, बरोबर इसे अंदर गए होंगी, दोनों बाहें अंदर गई होंगी उसकी, अब यहां तक था वहां तक था, आई डोंट नो, बट बाइबल ऐसा बताती है कि वो स्किन थी। अब स्किन के ढकने की वजह से पूरे बॉडी पे ब्लड लगा होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर उसे एक प्रोफेटिक मैसेज दे रहा था कि एक दिन ब्लड की वजह से तुम कवर्ड हो जाओगे, एक दिन तुम ब्लड की वजह से बचोगे। और आप देखो आगे चल के पूरी इज़राइल भी यही कर रही थी, जब भी वो पाप करते थे प्रभु को ब्लड देते थे। अब सुनिए, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही सबको बता दिया था कि ब्लड बहेगा। और जहां तक मैं जानता हूं, ये वहां पर शायद लिखा नहीं है, पर मेरी ये सोच है, ये जानवर एक मेमना है। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने एक पशु काटा, पर मुझे लगता है ये मेमना है। आप जानते हो उसके बाद क्या लिखा गया है? एक समय आया, ध्यान दीजिएगा, एक समय ऐसा भी आया जब इज़राइल के लोग जो थे वो गुलामी में थे। बोलो गुलामी में। गुलामी का मतलब समझते हो? मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग सच में डिक्शनरी में गए हैं इस वर्ड को समझने के लिए। गुलामी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है गुलामी में, आपको करना है।
आप बॉस नहीं हो, आप गुलाम हो, आपको जो ऑर्डर मिलेगा आपको करना पड़ेगा। जब परमेश्वर के लोग गुलामी में थे तो जानते हैं एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को आजाद करवा, और बाइबल बताती है वो वहां पर पहुंचा और उसने फेरो से बात करना स्टार्ट किया, मेरे लोगों को जाने दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए अब उस रात क्या हुआ जिस रात फेरो ने उनको जाने दिया था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन्हें कहा, सुनो आज की रात मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा, पर आज की रात तुम्हें एक काम करना है, एक मेमना लो, उसे काटो, और उसका जो ब्लड है, समझिए ये एक डोर है, ठीक है, इसे चौखट पे लगा दो। और होगा क्या, आज रात को जब मौत का फरिश्ता नीचे उतरेगा तो वो सबको मारेगा, लेकिन उन घरों को छोड़ देगा जिनके घरों पे ब्लड लगा हुआ है। अब जानते हो छुटकारे की एक रात पहले उन्होंने अपने घर के बाहर ब्लड लगाया था। आदम को जब निकाला गया ब्लड देके निकाला गया, अब ये लोग जो हैं सी डोर पोस्ट अपने घर पे, आपको पता है इसमें सबसे औसम थिंग क्या है, इस बच्चे के हाथ में बाल्टी। आप में से कितने लोगों ने इस स्टोरी के अंदर नोटिस किया है, परमेश्वर नहीं कहता है मेमना काटोगे और बच जाओगे, नेवर रिटन। अरे मैंने कल इतना पढ़ा इसको, इतना पढ़ा, मैं सोच रहा था प्रभु क्या सुना है मैंने आज तक यार, परमेश्वर ने कहां भी नहीं कहा है कि तुम मेमना काटोगे बच जाओगे, परमेश्वर यह भी नहीं कहता है कि उसका खून बहेगा तुम बच जाओगे, परमेश्वर कहता है वो बचेंगे जिन्होंने ब्लड को लगाया होगा। अगर इजरायली उस रात मेमना काटते और वो खून बाल्टी में ही पड़ा रहता तो भी वो मर जाते, लेकिन सच्चाई ये थी इन्होंने अपने हाथ में एक जूफा लिया, जिसे दाऊद कहता है जूफा से मुझे साफ कर, इन्होंने अपने हाथ में जूफा लिया और उसको अपने घर के बाहर लगा दिया कि हम इज़राइल के लोग हैं और मौत के फरिश्ते तू हमारे बीच में नहीं आएगा। इतिहास तो ऐसा कहता है, एक जगह पर एक ऐतिहासिक किताब में ऐसा लिखा गया है, जिस रात मिस्र में मौत का फरिश्ता दाखिल हुआ उस रात हर यहूदी 100 भजन सहायता 90-91 कह रहा था अंदर, यू नो बाहर लोग मर रहे थे, वहां 10,000 गिरेंगे पर मौत हमें न छू पाएगी। इतिहासकार बाइबल के विद्वान ऐसा कहते हैं जिस रात लोग मर रहे थे उस रात वो अपने घर में बैठ के भजन सहायता 91 पढ़ रहे थे, वो बच गए थे। अब परमेश्वर यहां पर यह नहीं कह रहा है कि तुम मेमना काटोगे और तुम बच जाओगे, परमेश्वर कहता है मैं उन घरों को छोड़ दूंगा जिन पर मैं इस खून को देखूंगा। आज बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे ना, मेरे भाई मेरी बहन आपको प्रभु यीशु के लहू के बारे में कुछ पता है, हाँ 2019 साल पहले प्रभु हमारे लिए आए, हमारे लिए खून बहाया गया, तो भी तो तुम बंधनों में हो, तो भी तो तुम परेशान हो, निंदाएं करते हो, चुगलियां मारते हो, तुम्हारे सेलफोन कचरों से भरे पड़े हैं, क्यों? रीजन जानते हैं क्या है, तुमने ब्लड को बाल्टी में रखा है, उसे लगाना नहीं सीखा है। बाइबल ऐसा बताती है मुर्दों में से जी उठने के बाद, आप देखो आप कभी, आपको कोई मैसेज करता है बहन, आप बहनों को कोई बहन मैसेज करती है, बहन आधा घंटा मिल सकते हो आप मुझसे, कुछ काम था दीदी, सिस्टर मिलते हैं ना, भाई ने आज प्रचार किया है यीशु मसीह के ब्लड के ऊपर, थोड़ा हम लोग ढूंढते हैं ब्लड के लिए कहाँ कहाँ लिखा गया है। आज जिससे भी मिलोगे ना आपको अपनी प्रॉब्लम ही बताएंगे, जानते हो क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, They don't even care, क्या यार। अब बहुत सारे भाइयों से मिलो, दे नो द गॉस्पल, उनको सुसमाचार पता है सिर्फ, दे नो द ब्लडलेस गॉस्पल। एक ऐसा प्रचार किया जा रहा है आज जिसमें यीशु के लहू की कोई जिक्र ही नहीं है। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ यीशु मसीह क्रूस पे मरे, उनके बदन से खून बहा, और ये देखिए मुर्दों में से जी उठने के बाद लिखा है एक कमरे में सब उसके चेले बैठे हुए थे, खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, अचानक प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में खड़े हुए और एक चेले को कहते हैं मुझे छू। मुर्दों में से कोई व्यक्ति जिंदा हो उसको देखकर ही बहुत लोग बिलीव नहीं करते, उनको लगता है हम ख्वाबों में हैं या तो ये झूठ है। इसीलिए यीशु ने याइर की बेटी को जिंदा करके कहा इससे कुछ खाने को दो ताकि तुम्हें बिलीव हो, इसको दो खाने को ताकि तुम्हें होश आए। आपने पढ़ा है वचन,
यीशु ने यायर की बेटी को जिंदा किया तो क्या कहा, इसे कुछ खाने को दो। मैं बोला प्रभु उनको भूख लगी थी क्या, उसको भूख नहीं लगी थी, इनको होश में आने दे कि ये खाने को दे और हाथ में पकड़े, अरे हाँ कहां गई थी, इनको होश आए। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसके सब चेले वहां पर थे और वो उनके बीच में आके खड़ा होकर एक बात कहता है, आओ मुझे छू। कुछ समय पहले वो मरियम को कहता है मुझे मत छू, लेकिन अब वो कहता है मुझे छू। देख अपने बॉडी के बारे में एक्सप्लेन करता है वहां पर, ऑसम ऑसम है ये, बोलता है मुझे छू। ये देख मांस, ये देख हड्डी, ये देख भूत के मांस और हड्डी नहीं होते भाई, ये देख है मेरे पास, दोनों है। प्रभु आप एक चीज भूल रहे हो, इंसान के पास बॉडी में हड्डी है, मांस है, लहू है। यीशु कहता है मुझे छुओ, ये देखो मांस भी है हड्डी भी है। प्रभु खून कहां है, बहा दिया गया। आप जानते हो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा उसके बदन में खून का एक ड्रॉप तक नहीं था, तो ब्रदर वो उठा कैसे विदाउट ब्लड, ताकत कैसे आई। पढ़िए रोमियो पहला अध्याय क्या लिखा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो जी उठा, परमेश्वर इसको अपनी ताकत से उठाया। आप जानते हो यीशु ने अपना खून तो बहा दिया। मेरा सवाल आज ये है, इस पत्री के अंदर एक याजक, कई लोग कहते हैं ना पौलुस की इब्रानियों पौलुस ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, वो लिखा है। मैं आपको पर्सनली बताऊं मुझे इस बात पर बिलीव ही नहीं है कि इब्रानियों पौलुस ने लिखा है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर पत्री में पौलुस ये बात कहता है मेरा प्रिय पुत्र तिमुथियुस, पर इस पत्री में यहां पर लिखा है हमारा भाई तिमुथियुस छूट गया है। मैं बिलीव नहीं करता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं वो पत्री एक याचक ने लिखी है जो पुरानी वाचा का कोई सेवक था, क्योंकि मंदिर में क्या क्या पड़ा है ही नो एवरीथिंग। अब जो कहते हैं मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बिलीव नहीं करता हूं कि ये पत्री एक पौलुस नाम एक व्यक्ति ने लिखी है। खैर ये विवाद नहीं है, कभी लोग मुझसे पूछते हैं भाई किसने लिखा, तो मैं बोलता हूं ब्रदर वेट 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 वेट, आप कहोगे उसने लिखा और मैं कहूंगा इसमें झगड़ा हो जाएगा, चलो बीच में आ जाते हैं। सच्ची बात यह है जिसने भी लिखा हो पर पवित्र आत्मा ने लिखा खत्म बात, ठीक है। नॉलेज के बाद पे कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है। उसके बाद पे वो कहता ना नहीं ऐसा नहीं है, उनको बोलो ओके जय मसीह की, अपना थियोलॉजन रखो अपने पास, हमको नहीं चाहिए, राइट। अब यहां पर क्या लिखा है, ईशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आप जानते हो इस ब्लड में सबसे अच्छी बात क्या है, अरे यार सबसे ऑसम थिंग जानते क्या है, ये ब्लड प्रेयर करता है, ऑसम बातें करता है। हाबिल का मर्डर हुआ, केन ने उसको मार दिया, परमेश्वर धर्मी की मौत उतर देखने के लिए उतर आता है, वचन में लिखा गया है। स्टेफनस को जब पथराव किया जा रहा था, पूरी बाइबल के अंदर लिखा गया है कि यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर ऐसे दुआएं करता है, पर पूरी बाइबल को छोड़ो साइड में रखो, एक वचन ऐसा लिखा है कि जब स्टेफनस मर रहा था तो यीशु खड़ा था और वो वहां पर खड़े होकर कहता है मैं मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। एक अकेली प्लेस है जहां पर यीशु मसीह खड़ा था, क्योंकि लिखा है वो धर्मियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वो नबियों की आत्मा का परमेश्वर है, वो वक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है। आपको पता है जब वो मर रहा था, केन जब हाबिल जब मरा, मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आया और परमेश्वर ने देखा वो ब्लड कुछ मांग रहा था, वो ब्लड कुछ मांग रहा था। आपको पता है वो ब्लड रिवेंज मांग रहा था, खुदा इस बंदे को तू कैसे छोड़ रहा है, उसे मत छोड़। लेकिन जब क्रूस पे लहू बहा और परमेश्वर जब अपने पुत्र को भी देखने के लिए आया, तो मैं बिलीव करता हूं उसका लहू यह कह रहा था अब एक काम करना, ये जो मेरा खून जिस किसी व्यक्ति पर लगे उस पर दया करना। इसीलिए लिखा गया है यह लहू उत्तम लहू है।
आप जानते हो मसीह के लहू में सबसे उत्तम बात क्या है? उस लहू में एक सबसे अच्छी बात यह है, अगर वो लहू आपके बदन पर लगे तो वो लहू खुदा से बात करता है। मैं जब भी अपने पाप कन्फेस करता हूं, मैं हमेशा खुदा को कहता हूं, खुदा तू मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे मसीह के लहू में धोकर शुद्ध कर। और मैं हमेशा महसूस करता हूं कि परमेश्वर मुझ पर रहम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि ये लहू उपयोग में कैसे लाया जाता है? जानना चाहते हैं? पक्का घर जाके करेंगे? आप साबुन साइड में रखो, रेनॉल्ड मॉन्की कहते हैं, आप साबुन साइड में रखो तो भी आप क्लीन नहीं हो सकते हो, उसको उठाना पड़ेगा और साफ करना पड़ेगा। अरे उसको तो छोड़ो, वो कहते हैं तुम साबुन की कंपनी में काम भी क्यों ना करो तो भी तुम शुद्ध नहीं हो सकते हो। तुम्हें साबुन लेना पड़ेगा, उसे लगाना पड़ेगा। अब सुनिए ये लहू कैसे काम करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्लीज बाइबल मत खोलिए, मैं 5 मिनट में मीटिंग पूरी करने वाला हूं। मैं सिर्फ एक वचन आपके सामने लगा रहा हूं, ब्रदर रोमन्स 3:25। देखिए हाउ ब्लड वर्क्स, ये कैसे आप लगा सकते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्राश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनको परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। पौलुस यहां बताता है विश्वास से उसका लहू काम करता है। आपको पता है कैसे? अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, सुनिए ध्यान दीजिए। जब भी आप अपने गुनाह को मान लेते हैं, सुनिए इस बात को याद रखिएगा, अगर आपके हाथ में मीठा है तो मक्खियां आपका पीछा करेंगी, अगर आपके हाथ में नॉनवेज की बैग है तो डॉग्स आपके पीछे आने वाले हैं। तो इस बात को भी याद रखना, ब्लड एक चीज को फॉलो करता रहता है और वो है लाइट। जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें माफ करता है। सबसे पहले इस बात को याद रखो, जब आप अपने गुनाह को मानते हो, एक गुनाह, प्रभु मुझे माफ कर, मैं बातों को ऐड करता हूं, मैं बातों को बड़ा चढ़ा के बताता हूं। ये गुनाह करते हैं सब लोग, बहुत सारे गुनाह होते हैं और प्रभु मैं इन पापों से नहीं निकल पा रहा हूं। उस समय आप एक वचन कह सकते हो जो वचन में लिखा गया है प्रभु, लेकिन आपके वचन में लिखा गया है आपके लहू में अपराधों की क्षमा और छुटकारा है। जब आप ये कहते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने घर के बाहर ब्लड लगा रहे हो। जितना कन्फेस करोगे ब्लड के वर्ड उतना ये काम करेगा। तो ब्रदर अगर मैं कन्फेस ना करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आए थे वैसे चले जाओगे, नो प्रॉब्लम। कितने लोग हैं जो अपना कमरा बंद करके ये कहते हैं स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे सामने आता हूं, मैं एक एक्टर हूं प्रभु, एक्टर, मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूं कि मैं एक मसीह हूं, मुझे बाइबल के बहुत सारे वचन याद हैं, लेकिन सच्चाई ये है प्रभु जी कि मेरे अंदर मेरे भाइयों और बहनों के प्रति नफरत है, मैं लोगों के नाम को खराब करता हूं, मैं उनके नाम को बदनाम करता हूं प्रभु, लेकिन आज मैं रियलाइज हो रहा है मुझे कि मैं गलत हूं और मैं दुआ करता हूं तेरे खून में है, तेरे खून में एक क्वालिटी है कि तेरा खून मुझे क्षमा करता है, छुटकारा देता है। मैं प्रार्थना करता हूं मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से साफ कर, मेरे अंदर से बंधनों को तोड़। आप जब ये कन्फेस करना स्टार्ट करोगे ना ब्लड के वर्ड, आपको मैं आपको सच कहता हूं कहां ना कहां आप ये महसूस करोगे कि पवित्र आत्मा इस ब्लड को लेकर आपके अंदर बंधन तोड़ेगा। हम जानते हैं कई बार हम विश्वासी ब्लड लेस प्रेयर करते हैं। स्वर्गीय पिता हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, आज मैं कलीसा गया, सही बोलता है भाई प्रभु, मैं बहुत बकबक करता हूं, बकबक करती हूं, मुझे माफ कर। तुमने अपने प्रार्थना में यीशु के लहू की कोई जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि तुम बहुत राइचस हो, तुम अपनी ही नजर में बहुत बुद्धिमान हो। और जानते कुछ लोगों को वास्ता तक नहीं है इन चीजों का। उनको जानते हैं वास्ता क्या है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच कहता हूं ये बड़ी खतरनाक चीज है बिलीवर्स में। जानते हैं वो किस चीज से संतुष्ट हैं?
मैं चर्च होकर आया हूं, आज चर्च होके आया, आज मैं चर्च गया था। ओ थैंक यू, आप आए, घर पे होमवर्क कुछ नहीं करोगे? हाँ, टीचर अच्छे से जानती थी हम लोग कैसे हैं, इसलिए वो होमवर्क देती थी। मैंने इतनी मारे खाई थी होमवर्क न करने पर, इतनी मारे खाई थी। मेरे टीचर एक दिन तो ऐसे उसका माइंड सेट हो गया था कि नहीं पढ़ता है, और जैसे वो आती थी वो कहती थी, मैं उनको बोलता था जा रहा हूं। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मसीह में ऐसे हैं, कोई होमवर्क नहीं है घर पे, स्कूल होकर आए हैं, बस स्कूल से आएंगे ऐसे बैग उतार के फेंकेंगे, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा है? जा रहा हूं। अरे पढ़ेगा कौन, तेरा बाप? हाँ पढ़ा उसको। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता था पहले, वहां पर एक बच्चा आता था, वो ऐसे आके बैग ऐसे फेंकता था। मैं कई बार जब मॉर्निंग में आता था वो बैग ऐसे फेंकता था, आप बिलीव करो वो बेल्ट भी ऐसे निकाल के, बैच निकाल के फेंकता था। मम्मी मैं जा रहा हूं, और जाते जाते मालूम क्या बोलता रहा, मैं पढ़ के आया हूं। अरे तेरा पेपर है कल? पढ़ के आया हूं, मैं आ रहा हूं। आज लोगों को ये स्पिरिचुअलिटी लगती है, मैच आई ब्रदर मां ही नहीं आया, मां ताए सामू बैठी ना होनी है, पूछा गया ना, मैं आती हूं, मैंने आपके क्या, सो व्हाट, क्या घर पे कुछ होमवर्क करते हो कि घर जाएं और अपने ऊपर इस ब्लड के वचन ढूंढें? अरे मेरे पास इतने ब्लड के वर्ड्स हैं, और मैं यहां पर लाता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है सब मुझसे मांगेंगे, ढूंढेगा कोई भी नहीं, ढूंढेगा कोई भी नहीं। मैं हैरान हो गया, प्रभु आपने कहा तू उनको उनके पापों से उद्धार करेगा, लेकिन कुलिसियों में लिखा है ये उद्धार लहू से होगा। पतरस कहता है एक जगह पे, तुम्हारा जो छुटकारा है उसके लहू से है। बाप दादाओं का गंदा स्वभाव, मैं सच कहता हूं मैं इतना तंग हूं इस स्वभाव से अपने आप में कि प्रभु मेरे फोर फादर्स का नेचर आखिर मुझ में से कब निकलेगा। एक दिन ये नेचर ऐसे रेस्ट हुआ मेरे अंदर, मैं आपको दिखाऊं कैसे। मैं एक होटल में गया था, मैंने बताई थी पहले ये बात आपको, मैं एक होटल में गया, मैंने 2000 रुपीज दिए वहां पर, सिर्फ मैंने 100-125 रुपए का कुछ खाया था, 1875 उसको वापस देना था। आप बिलीव करो पता नहीं उस बेचारे का ध्यान कहां पर था, वो किसी और का बिल मेरे पास लेकर आया। इतने सारे पैसे पड़े थे उसमें, कुछ ज्यादा ही थे, और मैं गिन रहा था और मैं देख रहा था हा? आप बिलीव करेंगे, मुझे वापस देने का मन नहीं कर रहा था, मुझे प्रभु बोल रहा था वापस दे, मैंने थोड़ी ना मांगे, खुद दिए उसने मेरे को। हाँ मुझे अमाउंट याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता रहा जो मेरा अमाउंट वापस आना था उससे ज्यादा आ गए थे उसके। उन दिनों में नोट भी पुराने थे, नए नहीं थे, मुझे आज भी याद है। कुछ पता नहीं इसको कितना लेके आना था, मैं गिन रहा था, मैंने बोला यार तो डबल आ गए, और मैंने अंदर रखा, और मैं अंदर जैसे मैंने पैसे रखे मेरा मन अशांत हो गया, वापस कर वापस कर वापस कर, और मैं बता तू चुप कर। आपको पता है मैं अपने को क्या कह रहा था, मैंने चोरी थोड़ी ना की है, मेरे को जरूरत थी, मैंने प्रार्थना भी की थी, प्रभु ने मुझे इस तरह से दिए। वेरी गुड, इधर आ फरीसी ढोंगी पाखंडी, खुद को बोल रहा हूं आपको नहीं, मैं ऑब्जेक्ट हूं, डोंट वरी। और जब मैं बाहर था, मुझे आज भी याद है, मुझे उन दिनों में व्हाइट एक्टिवा थी, और मैंने जैसे गाड़ी चालू की मैं इतना अशांत था। मैं थोड़ा आगे गया, मुझे प्रभु ने कहा डोंट डेयर, हिम्मत मत करना ये, और मैं वापस गया, मैंने उसको रोके कहा ये लो। बोलता है यार मैं परेशान हो गया था यार, मैं ढूंढ रहा था मैंने किसको दे दिए आपके पैसे, मैं बोलता था मेरे को दे दिए थे, ये ले लो। उस दिन मैंने समझा बाप दादाओं का स्वभाव क्या है, जब पैसों की बात आती है ना सब भूल जाते हैं लोग।
एक आदमी ने कहा तुम सब अलग अलग हो, रोमन कैथोलिक अलग हो, लुथरन अलग हो, पेंटिकॉस्टल अलग हो, मेथोडिस्ट अलग हो, वो कहता है अन्य भाषा में बोलोगे तो ही पवित्र आत्मा है, ये कहता है सोना मत पहनो, ये बोलता है ये बोलता है, तुम सबके डॉक्ट्रिन्स अलग अलग हैं लेकिन एक चीज में तुम सब सेम हो, पैसों के प्रेम में। जहां पर पैसों की बात आती है ना, तुम सब एक ही तरह झपटा मारते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उस आदमी की स्टेटमेंट के साथ एग्री हूं। मेरे भाइयों और बहनों लिसन, ये लास्ट थिंग है, अगर आप अपने लाइफ में बॉन्डेज फील कर रहे हो, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के विषय में बात करो मुंह से। आप जानते हो, मैं चाहता हूं सब बाइबल बंद करो, सब बाइबल बंद करो। जानते हो वो लहू आपको क्यों छुड़ाता है? सुना है आपने ये गाना, वो लहू छुड़ाए हमें, वो लहू बचाए हमें, वो लहू छुड़ाए हमें, वो लहू बचाए हमें, यीशु का लहू, यीशु का लहू। आपको पता है वो लहू क्यों छुड़ाता है? सुनिए, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने खून किसने बहाया था? यीशु का नाम क्यों मिसिंग है इसमें? इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे यीशु ने अपने लहू से मोल लिया। पूरी बाइबल के अंदर एक अकेला और इकलौता वचन है जो बताता है वो परमेश्वर का लहू था। पूरी बाइबल के अंदर आपको दूसरा कोई वर्ड मिले मुझे बताना, दिस इज ओनली वन वर्ड जिसमें लिखा गया है परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से, एक यही अकेला वचन है पूरे बाइबल में जो बताता है वो ब्लड जो उसके अंदर था वो यहोवा का था। यस, वो परमेश्वर का ब्लड था जो क्राइस्ट में दिया गया था। प्लीज हर दिन इस ब्लड को यूज करना सीखो। और आपको पता है सिर्फ डेविल इस ब्लड से ही डरता है। आपको चाहिए आप अय्यूब पे पढ़ के देखो, शैतान कहता है मैं कैसे जाऊं तूने बाड़ा बांधा है, शैतान गवाही देता है मुझे इस ब्लड से डर लगता है, प्लीज ये ब्लड मुझे इरिटेट करता है। कितने लोग हैं आज ये निर्णय ले रहे हैं कि आज के बाद मैं अपनी दुआओं में हमेशा यीशु के लहू की मांग करूंगा, मैं मांग करूंगा उसकी। अरे मैं आपको सच कहता हूं, आप ये महसूस करोगे आपके अंदर से कोई जा रहा है। कितनी बार महसूस किया है, कितनी बार मैंने ये फील किया है जब मैंने इसके ब्लड के लिए बात की, कुछ होता है, ये इतना रियल है। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन को आपने ग्रहण किया है। यह सवा जनवरी के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में हुई थी और काफ़ी समय से परमेश्वर ने मुझे अगुवाई नहीं दी थी इस वीडियो को पब्लिश करने की, पर मुझे लगता है कि आज ये सही समय था इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का कि किस तरह से यीशु मसीह का खून हमारे जिंदगियों में काम करता है। मैं आपको आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि आज से बहुत साल पहले, जैसे आपने संदेश में भी सुना कि उन्होंने अपने घर में अंदर रहकर उन्होंने अपने घर के बाहर एक खून लगाया था, एक मेमने का लहू जो यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है, और वहाँ से मौत का फरिश्ता गुजरा और उन्हें कुछ नहीं हुआ। आज वही समय है हमारे लिए भी जब वह सच्चा मेमना यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, और आज समय है कि आज हम उसके लहू का उपयोग करें। और याद रखिए, जब आप अपने मुंह से कुछ लहू के बारे में कहते हैं तो आप अपने ऊपर उस लहू को प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं, आप उसका उपयोग करते हैं। आज
इस पूरी दुनिया में जैसे कि आप जानते हैं कि एक वायरस फैला हुआ है कोरोना, बहुत सारे लोग इसमें अपनी जान खो चुके हैं, पर मैं विश्वास करता हूं कि अब वो समय है कि हम अपने परिवारों पर अपने लहू को लगाएं और हम इस वायरस से बचे रहें, क्योंकि बहुत साल पहले जब उसके खून ने मौत को हरा दिया था तो इस वायरस के लिए तो ये बहुत ये खून के लिए ये वायरस तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। इसीलिए मैं सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तेरा वचन कहता है तेरे खून में छुटकारा और अपराधों की क्षमा है। तेरा कलाम कहता है कि जब बैल और बकरों के लहू के द्वारा और राख के उंडेलने के द्वारा शुद्धता होती है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के साथ क्रूस पर चढ़ाया था वो हमारे अंदर कार्य और भी क्यों ना करेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, जितने भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं मैं हर एक के ऊपर तेरे लहू का चिन्ह लगाता हूँ। हर परिवार के डोर पोस्ट पे हम उस ब्लड को लगा देते हैं और हम विश्वास करते हैं इनमें से किसी को भी कोरोना टच नहीं कर सकता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो चले गए हैं हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदा हैं और जिनको इस वायरस ने प्रभु पकड़ा है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम उनके अपराधों के लिए आपसे माफी मांगते हैं। और यीशु मसीह के नाम से हर एक पर जो इस वायरस के चपेट में है हम उस पर तेरा लहू छिड़कते हैं। यीशु के नाम में हर व्यक्ति चंगा हो जाए और हर व्यक्ति प्रभु इसके बाद बचा रहे। हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी कि किस तरह से तूने उनकी रक्षा की। प्रभु हर वो बहन हम उनके लिए दुआ करते हैं जो प्रभु जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं, यीशु के नाम से उनके प्रभु गर्भ पर हम तेरा लहू छिड़कते हैं, उनकी गर्भ खुल जाए। हर वो व्यक्ति जो कर्जों में है यीशु के नाम से उन्हें बरकत दे ताकि उनके कर्जों से वो मुक्त हो जाएं। हर वो रिलेशनशिप जो टूटने के कगार पर आ गया है पति पत्नी के बीच में वो रिश्ता फिर से जुड़ जाए। डिवोर्स प्रभु जी जो तेरी मर्जी में नहीं है प्रभु वो कभी कदाप भी ना हो, वो कैंसिल हो और घर बन जाए प्रभु जी। और हर परिवार जिसने उधार नहीं पाया है, जिसके परिवार सिर्फ एक ही या दो लोग विश्वास करते हैं, सारा परिवार प्रभु जी यीशु के नाम में उधार पाए। मैं तेरा दास होने के नाते हर एक के ऊपर आशीष बोलता हूं, हर एक को आशीष देता हूं। मैं विश्वास करता हूं हम आने वाले समय में इस वायरस को प्रभु जी खत्म होते देखेंगे, क्योंकि तूने कहा तुम दुष्टों का अंत देखोगे। प्रभु जी हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआ को सुना, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जो एक रक्षक है वो हमारी रक्षा करेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे विनती करता हूं ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि हर व्यक्ति जो इससे इफेक्टेड हुआ है वो बचे और जिनके पास नहीं आया है ये वो बचे रहें। आप हमारी सहायता करें, प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।